और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। चंद्रयान 3 ने चांद की बेहद करीब से खींची गई तस्वीर भेजी है जिसे इसरो ने जारी कर दिया है। विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और चांद पर लैंडिंग के लिए महज चंद कदम की दूरी अब चंद्रयान को तय करनी है और उसके बाद भारत अंतरिक्ष में इतिहास रच देगा। चांद की कक्षा छोड़कर अब लैंडर चांद की सतह की ओर बढ़ चुका है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। उससे पहले आप देखिए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के बेहद करीब से खींची गई तस्वीर भेजी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए दूरी बहुत कम रह गई है और 23 अगस्त वो तारीख होगी जब हिंदुस्तान इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर विक्रम की लैंडिंग होगी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर और चंद्रमा की सबसे करीब से खींची गई ये तस्वीर जिस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिशन चंद्रयान हिंदुस्तान का एक बड़ा सपना जो साकार होने की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। 3:50 पर ये तस्वीरें ली गई थी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बेहद करीब से ली गई ये तस्वीर है जो कि इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विक्रम की लैंडिंग के साथ ही चांद को लेकर तमाम रहस्यों से पर्दा भी उठेगा। चांद की सतह पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसकी जानकारी भी मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल ये चंद्रयान 3 के जरिए ली गई सबसे ताजा तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष की सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है। अपर सचिव ने यह आदेश जारी किया है। नियम विरुद्ध सरकारी सुविधाएं लेने का आरोप लगा है इन पर। मानदेय, स्टाफ वाहन, पीओएल जैसी सुविधाएं अब समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर जेएन नौटियाल है चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष। हर वो सुविधा जो इस वक्त वो ले रहे थे उन सुविधाओं को रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि नियम के विरुद्ध ये सुविधाएं उन्हें हासिल हो रही थी। और यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।